मैडम, मुकाबला तो हो जाएगा, पर ये डिसाइड कौन करेगा कि किसकी टीम बेटर है, इसकी या मेरी? जाओ जाओ, आओ आओ, कौवा बोला, काओ काओ। Well, मैं करूंगा डिसाइड इज द, नहीं लूंगा किसी की साइड इज द। अरे परदादा जी, ये दातुन घिसने का मुकाबला नहीं, डांस का मुकाबला है, डांस का। एक काम करता हूँ, मैं खुद ही कोई अच्छा सा जज ले आता हूँ यहाँ। हाय हाय, वाह, जब पुलाव आपके भगोने में पकेगा तो आपकी ही प्लेट में सर्व होगा ना? यस। मतलब बोल के तो बच्चा ऐसा बन रहा है कि मेरा मन कर रहा है देख के कि दूध की बोतल दे दूं तेरे मुंह में। क्या बेवकूफ समझाए क्या हमको यहाँ पे? हम यहाँ बेवकूफ बैठे हुए हैं क्या? अपना जज लेके आ जाएगा तो वो तो फर्रे वर्रे लेके आएगा ना तेरी साइड से ही, तुझे वैसे ही जिता देगा वो। है हम क्या बच्चे दिख रहे हैं तुझे? हम लाएंगे जज। अच्छा, मतलब कि मेरा जज झूठ से सना और तुम्हारा दूध का धुला। देखिए, मैं कैसे मान लूं कि तुम्हारा जज चीटिंग नहीं करेगा? आयो मायो इबाला किबाला खचर पचर। अरे ये क्या बोलता है बार बार ऐसे? ये कह रहा है कि हम टॉस कर लेते हैं। या कोई टॉस वॉस ना होगा। इस मुकाबले को जज करने के लिए एक ऐसा जज आएगा जिस पे कोई शक ना कर सकेगा। वेल, हू द शी इज द, मेरी एक पड़ोसन मुझे खिलाती थी देसी घी इज द। डट जी, मैं सामने खड़ा हूँ कंट्रोल। सॉरी सॉरी। मैडम आप ही बता दीजिए ना कि वो जज कौन होंगे? रेखा रेवड़ी खाती है। मैं बात कर रही हूँ डांस के उस बेताज बादशाह की जिसने डांस की दुनिया में आते ही धमाका मचा दिया था। रे रे, ये क्या, किसका नाम ले लिया आपने? मुन्ना बदना। देखिए, अगर मुन्ना भाई यहाँ आके डांस कंपटीशन को जज करेंगे तो भाई उसमें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। मुन्ना भाई, मुन्ना बदनाम। हाँ ठीक है, जाओ जाओ, आओ आओ, कौवा बोला काओ काओ, अब मैं चलता हूँ, मेरा मतलब अब मैं जाता हूँ। और हाँ मैडम, लेकिन अब कंपटीशन के लिए तो सिर्फ दो ही दिन बचे हैं और मेरे पास रिहर्सल के लिए कोई जगह ही नहीं है। रेखा रेवड़ी खाती है। एक जगह है। अरे काल को म्यूजिक बंद कर दिया, कतरो चु नाच रही थी मैं। अरे मामी, क्योंकि दो दिन बचे हैं कंपटीशन के लिए और इन लोगों ने बेचारों ने प्रैक्टिस करने दो, नहीं तो ये लोग हार गए ना तो हमारी नाक नीचे हो जाएगी और पुलिस डिपार्टमेंट का सर झुक जाएगा। Yes! पहले क्यों नहीं बोला? ओ बच्चा पार्टी, नाचो नाचो, मैं कुछ खाने का प्रबंध करती हूँ। Well, अब आ गया है वो मौका इज़दा जिसमें एक पार्टी मारेगी चौका इज़दा। चौका नहीं दद्दू, छक्का। वो भी मेरी टीम, मेरी मेरी टीम मारेगी। जाओ जाओ, आओ आओ, कौवा बोला काओ काओ। अबे इतनी जल्दी भी क्या है फारूक फैसन, पहले मुकाबला तो जान दे। इनकी टीम तुम्हारी टीम को भुट्टे की तरह चबा जाएगी। अच्छा, मेरी टीम तो आ गई, इनकी टीम? इनकी टीम नहीं आई अभी तक। क्यों भाई, कहाँ है तुम्हारी टीम? वो लोग बजरंग बली जी के मंदिर गए हैं, उनके दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेने, उसके बाद वो यहाँ आएंगे और तुमको धूल चटाएंगे, क्योंकि जिसके सर पे वो बजरंग बली जी का हाथ, फिर उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जी बड़ा ही अच्छा हो गया जी, और हनुमान जी के दर्शन हो गए, बस अब तो छा जाने, आशीर्वाद मिल गया उनका। ओए ऐसा नाचना कि बस धरती एकदम में हिल जानी चाहिए। एक मिनट जी। वेल, आ गया फोन इज द, देखूं जरा है कौन इज द। हेलो बेटा, उनको मंदिर लेके गया है कि वहां से फिर चारों धाम की यात्रा पे निकल गया है तू? आया क्यों नहीं अभी तक यहाँ? ओए चाचा जी। ए
सर बोलो सर, यहाँ रिश्तेदारी निभाने नहीं बैठा हूँ मैं। और नहीं चाचा जी, बस ये समझो कि ट्रक की स्पीड से आ ही रहे। चलो यार चलो। यार रुकता ही नहीं कोई भी। वेल हू द यू द आर इज द दुश्मनों का दुश्मन या यारों का यार इज द यार। नहीं मार, अब तुम लोग है ना मार खाने वाले हो। ओए वाइस द, क्या हमें मारने तुम्हारी ये टोली है आइस द? हाँ। इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर तेरे टीम की। ये हमें है यकीन, बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई? जाओ जाओ, आओ आओ, कौवा बोला काओ काओ। अरे मामा फोन मिला उसने, कहाँ रह गया यो कैरी ऑन? बेटा वो ही कर रहा हूँ, कब से पता नहीं मेरा फोन नहीं उठा रही है, मेरा फोन नहीं उठा रही है। मुझे लग रहा है कि ये ना मंदिर के बाद उन सबको लेके गुरुद्वारे निकल गया, अब लंगर वंगर करके आएगा आराम से। ठीक है ठीक है भाई ठीक है। शांत शांत शांत। अरे भाई मैं हूँ मुन्ना बदनाम, अमरूद के मौसम में खाता हूँ आम, ठुमका थाईलैंड है। पर दादाजी क्या कर रहे हैं आप? अरे मेरी उम्र से दुगनी उम्र के हो रहे हैं आप, और फिर भी आप छू रहे हैं मेरे पैर। अरे जबकि मैं मुन्ना बदनाम अमरूद के मौसम में खाता हूँ आम, ठुमका थाईलैंड है। आइए आइए महान डांसर मुन्नू। मुन्ना मुन्ना बदनाम जी, आपका हमारी इस चौकी में स्वागत है। तो ज्वालामुखी जी, अरे कहाँ है आपकी वो दो टीमें जो इस नृत्य के महासंग्राम में हिस्सा लेंगी, और हम ये फैसला देंगे कि कौन जीता कौन हारा और किसने छाक का मारा। ठुमका थाईलैंड है। अरे सुनिए मुन्ना जी। हाँ। मुन्ना जी ये मेरी टीम है, मेरी टीम जो धकड़ धकड़ में ये भाग लेने के लिए एकदम तैयार है। जाओ जाओ, आओ आओ, कौवा बोला काओ काओ। अरे नहीं नहीं बदनाम जी। हाँ। टीम तो मेरी जीतेगी। हम लोगों ने बहुत मेहनत की है, रेखा रेवड़ी खाती है। तो ये दूसरी टीम कहाँ है? अब मैडम, 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 मैडम। अबे यो के हाल बना रखा है। Well, मेरे कैरी ऑन पुत्र इसदा, तेरी हालत किसने बनाई जल्दी दे उत्तर इसदा। अगर मैंने उसकी तोड़ना थी हड्डी पसली इसदा, मैं तेरा बाप नहीं असली इसदा। भैया ये सब डिटेल में बाद में जाएंगे, इसका कोई मतलब नहीं है। कहाँ है टीम का इनकी? हाँ कहाँ है, मेरे महेश सुरेश कमलेश वो लोग सब कहाँ है? बताता हूँ सब बताता हूँ। जो उन सबको अस्पताल में जमा करा के आ रहा हूँ मैं। ए ओही, आयो आयो खचर पचर। मैडम हो ना हो वो सारे गुंडे इनकी कढ़ाई के ही आलू है। सबूत क्या है? क्या सबूत क्या है, है? सबूत तो इनकी टीम ने चूहा कह रहा था, पर तूने साबित कर दिया कि असली चूहा कौन है। इतना डर गया कि तूने अपने गुंडे भेज दिए वहाँ। Yes! बहाने, ये सब बहाने हैं मुन्ना जी। अरे इसकी टीम जो है वो मेरी टीम को देखकर भाग गई, खुद ही मैदान छोड़ के भाग गई, और ये लोग मुझ पे इल्जाम लगा रहे। देखिए क्या है कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, भाई ये हम सिर्फ नहीं जानते। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि अगर दूसरी टीम मुकाबले पे नहीं आई
तो हम पहली टीम को निर्विरोध और बिना डांस किए हुए जीता घोषित कर देंगे। ठुमका थाईलैंड में है। जीत गया? नहीं, जीत गए मैडम, हम लोग हार गए। रेखा रेवड़ी खाती है। मास्टर जी, आप हारे ना हैं। आपकी टीम मुकाबला भी करेगी और इसको हराएगी भी। बेटी, सदमा लगा क्या तुमको? इनकी टीम अस्पताल में पड़ी है, वहां पे वो डॉक्टरों, नर्सों और इंजेक्शनों से कर रही है मुकाबला। खच फच, वो यहाँ कैसे आएगी? वो टीम की बात ना कर रही हूँ मैं बिल्लू मामा, मैं वो टीम की बात कर रही हूँ जो टीम मैं बनाऊंगी मास्टर जी की तरफ से, वो टीम जो इस मुकाबले में इसने हराएगी और फिर धकड़ धकड़ कंपटीशन में मास्टर जी जिसने ले जाएंगे उसको ले जाएंगे। भाई भाई फारूक, सही रहा? मंजूर है, मंजूर है। तो भाई योरी मारी टीम। हाँ भाई पप्पू, मालपुआ, बिल्लू मामा। अरे बेटा मैं तो गोपी मामा ना, आप रहने दो, मैं। लेकिन मैडम, हम लोग ने तो कोई डांस प्रैक्टिस ही नहीं की है, तो क्या डांस करेंगे हम? वही डांस जो दिल से किया जाता है, हिंदुस्तान के हर गली गली मोहल्ले में किया जाता है। इंडिया की टीम जीते, या गणपति हो या नवरात्रि हो या तो किसी की शादी बारात हो, जो डांस हम वहां करते हैं वही डांस हम आज यहाँ करेंगे। Yes! बस एक बात याद रखेंगे, हमें दिल से नाचना है और जीतना है। मुकाबला शुरू किया जाए। अरे अरे एक मिनट, ये कैसा बेहुदा डांस है? अरे तुम चुप रहो। अरे जज मैं हूँ कि तुम देखो, ऐसा करोगे तो हम जा रहे हैं। अरे नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है, आप पाँव पड़ाए सर, ऐसा मत बोलिए। खुश रहो। सुना ना? हाँ बेटा, शुरू रखो तो। वाह 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 वाह, अच्छा क्या करूँ? तो पूरा मुकाबला देखने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि फारूक फैशन की टीम इस मुकाबले में बुरी तरह से हार गई है। और ये टीम जीती है। और अब मैं धकर धकर कंपटीशन में खुद सिफारिश करूंगा कि तर्कस तमन्ना की उस टीम को शामिल किया जाए जो हॉस्पिटल में है, ठुमका थाईलैंड है। हाँ भी फारूक फैशन, आप बोल ले, जीबान कट गई ना? जाओ जाओ, आओ आओ, कौवा बोला भाव भाव। खाओ खाओ। थैंक यू वेरी मच मैडम। अगर आज आप लोगों की टीम ना होती तो हम गरीबों का टैलेंट दौलत वालों की कॉफी में शक्कर की तरह घुल जाता, सब कुछ धुल जाता। रेखा रेवड़ी खाती है। शाबाश बेटी शाबाश, सत के जामा तेरे। आज तेरा ये मामा गोपीनाथ गंडोत्रा ये बात जरूर कहेगा, करेगी तू अपनी माँ का नाम ऊंचा इज्जा, गूंजेगा तेरा नाम गली गली कूचा कूचा इज्जा। कैरी ऑन। Yeah!